गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 10th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम एक नई पोम समझने जा रहे हैं जिसका नाम है फायर एंड आइस, अर्थात आग और बर्फ। इसके जो पोएट हैं वो हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट वॉज एन अमेरिकन पोएट। हिज वर्क वॉज इनिशियली पब्लिश्ड इन इंग्लैंड बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड इन द United State. He born on 26 March 1874, San Francisco, United State of America. अब इसके जो कवि हैं वो हैं रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, जो कि एक अमेरिकन पोएट हैं, और उनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 26 मार्च 1876 में। और वो एक प्रकृतिवादी कवि भी रहे हैं, उन्होंने प्रकृति के बहुत सारे जो अविस्मरणीय क्षण हैं उन पर भी बहुत ही सुंदर सुंदर पोम लिखी हुई हैं। उनमें से एक है फायर एंड आइस। अब यहाँ पर पहले हम पोम को पढ़ते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का अंत किस प्रकार होगा, इस पर लोगों के दो मत हैं। एक कहते हैं कि आग से पूरी पृथ्वी का जो है अंत हो जाएगा, पृथ्वी नष्ट हो जाएगी आग के द्वारा। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ ही पृथ्वी के नष्ट होने का कारण बने। अर्थात दो प्रकार के मत हैं पृथ्वी के नष्ट होने में, पहला आग और दूसरा बर्फ। लेकिन कवि जो है वो किसके पक्ष में है, वो उनके पक्ष में है जो ये कहते हैं कि आग से पृथ्वी नष्ट हो जाएगी, अर्थात आग ही फायर ही पृथ्वी के नष्ट होने का कारण है। क्यों? क्योंकि कवि ये मानता है कि जो असीमित इच्छाएं हैं मनुष्य की, वो किसका काम है, वो आग का ही रूप है। अर्थात कवि ने असीमित इच्छाओं को आग का ही एक कारण माना है। अर्थात मनुष्य की इच्छाएं कभी शांत नहीं होती और उन असीमित इच्छाओं के कारण पृथ्वी भी नष्ट हो सकती है। सेकंड इसमें देखें हम बच्चों, सेकंड पैरा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। अब यहाँ पर बोलता है, कवि कहता है कि यदि मान लो पृथ्वी को दोबारा भी नष्ट होना पड़े, एक तो पहले वो मान रहा है कि जो आग है वो नष्ट होने का कारण है, और अब बोल रहा है कि यदि पृथ्वी को दोबारा नष्ट होना पड़ा तो किससे होगी, वो होगी डिस्ट्रक्शन आइस, यानी बर्फ जो है वो उसके नष्ट होने का कारण बनेगी। और यहाँ पर जो कवि है उसने जो बर्फ को घृणा का प्रतीक माना है। अर्थात जो घृणा मनुष्यों के हृदय में जो घृणा है वो ही क्या है, जमी हुई है, वो अलग नहीं हो रही है, अर्थात वो बर्फ के रूप में है। तो मनुष्य तो कवि ने बोला है कि जो घृणा है, जो बर्फ है, वो ही पृथ्वी के नष्ट होने का दोबारा से कारण बनेगी। दोबारा से अर्थात मतलब पहली बार जब वो फायर से बोलता है तो उस मत को भी वो त्यागना नहीं चाहता है। अब बच्चों अपन इसके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स करते हैं। डिज़ायर मीन्स स्ट्रांगली विश फॉर, अर्थात इच्छा माने तीव्र इच्छा। पेरिश डाई यानी मृत्यु, नष्ट होना। सफाइस बी सफिशियंट, अर्थात पर्याप्त। अब हम इसके सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम समझेंगे। द पोम फायर एंड आइस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम दैट ह्यूमन इमोशंस लाइक डिज़ायर एंड हैट्रेड आर डिस्ट्रक्टिव वेन अलाउड टू रन आउट ऑफ कंट्रोल। दे कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन मोरली मेंटली एंड फिजिकली। अब यहाँ कवि क्या कहता है कि जो आग और बर्फ, ये जो कविता उसने लिखी है ये मेनली ह्यूमन इमोशन यानी मानवीय भावनाओं के लिए लिखी है। कि जो डिज़ायर यानी जो इच्छाएँ हैं वो आग की तरह है, जो घृणा है वो किसकी तरह है, बर्फ की तरह है। और यदि हम इनको आउट ऑफ कंट्रोल रहने देते हैं, इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इसको आगे बढ़ने देते हैं तो ये विनाश का कारण बन जाती है। और ये एक मनुष्य को मोरली यानी नैतिक रूप से, मेंटली यानी मानसिक रूप से, और फिजिकल यानी शारीरिक रूप से, तीनों प्रकार से यानी कि नैतिक, मानसिक और शारीरिक, तीनों रूप से नष्ट कर सकती हैं। तो बच्चों ये थी हमारी पोम फायर एंड आई।